अपनी टीम के लिए वो एग्जाम्पल नहीं बनेंगे। मगर इनका कहना यह होता है भगत सिंह चाहिए, कौन चाहिए? भगत सिंह, लेकिन मेरे घर में नहीं चाहिए, बगल में चाहिए। मतलब इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि जो एग्जाम्पल मुझे खुद सेट करना है अपनी कंपनी में, वो बाकियों के एग्जाम्पल सेट करके लोगों को बताते हैं। और टीम जो होती है वो ऑलवेज फोकस किसके ऊपर करती है? आपके ऊपर, क्योंकि आप एक लीडर मैनेजर हो, तो वो उम्मीद रखती है कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, सर आप मुझे करके दिखाओ कि ये काम होता कैसे है। सेल्स वाला सेल्स में पूछेगा, सर्विस वाला सर्विस में पूछेगा, अकाउंट वाला अकाउंट में पूछेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में पूछेगा। और एक मैनेजर ऐसा होता है जिसकी हर काम में एक्सपर्टाइज होती है, वो अपना एग्जाम्पल सेट करके लोगों को तैयार करेगा। तो ये लोग ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये ग्रो नहीं होते। फिर फीलिंग होता है द मेंटेन फॉर द कि हर चीजों के अंदर उनको असफल होना जो होता है, उन्हीं चीजों को लेकर वो बातें करते हैं। क्योंकि कई बार फेलिंग हो जाते हैं मेंटली हर चीजों के अंदर, मानसिक तौर से पहले से ही वो नकारात्मक हो गए होते हैं। वो अपनी चीजों के ऊपर, जैसे यहां पर आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, कई लोग अपने नसीब के भरोसे है, और कई लोगों ने हाथों में कुछ चीजों पहन ली है, भगवान और बाबा के पास चले गए हैं, धागा दोरा सब बांध कर बैठ गए हैं, भगवान के सामने तप करना बैठ गए हैं, और बोल रहे मेरे नसीब में जितना होगा ना उतना ही मुझे मिलेगा। तो ऊपर वाला भी सामने बोलता है, भाई तू कुछ करेगा तो तुझे कुछ मिलेगा। नसीब के सहारे अगर आप बैठ गए और आप अपनी फेलियर के ऊपर ही अगर फोकस कर रहे हो, और माइंडसेट ही अगर फेलियर का बनाकर बैठे हो, तो आपके साथ होगा भी वैसा ही। तो ऐसी चीजों के अंदर से हमें बाहर आना है। फिर दे डोंट अप्रिशिएट देयर टीम, इनका कभी भी अप्रिशिएशन नहीं होता है अपनी टीम को लेकर, क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि अप्रिशिएट कर दिया, मेरे से बेहतर काम कर लिया, और मेरे सीनियर्स को अगर पता चल गया तो मेरा पत्ता कट, कल से वो आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। ये छोटी मानसिकता है। आपको अपनी टीम में काम किए हुए कोई भी बंदे ने छोटे लेवल से बड़े लेवल पर अगर अच्छा काम किया है, आपकी कंपनी में अप्रिशिएशन की सिस्टम होनी चाहिए कि ₹500 से लेके 5000 तक की चीज आप उसको रिवॉर्ड में दो। क्योंकि जब आप छोटे थे, आपने कुछ अच्छा किया और आपको इनाम मिला, तो आपको हर बार प्रेरणा मिलती थी कि दोबारा मैं इनाम पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करूं। तो आपके टीम में हर बंदा वो चाहता है उसको अप्रिशिएशन मिले। क्या आप दे रहे हो? आपको क्वेश्चन करना है। फिर आगे होता ये है दे डोंट डेवलप देयर टीम। ये कभी भी कोई भी काम के लिए किसी बंदे को तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि इनका माइंडसेट जो है वो सीमित है। ये ऐसा सोच लेते हैं मेरी जगह वो बना लेगा, तो वो टीम को तैयार ही नहीं करेंगे। ये पोजीशन पर आए हुए लोग कुछ ऐसे माइंडसेट होते हैं कि आइसोलेट होकर काम करते हैं। मतलब 5-10 लोगों की टीम है, ये 5-10 लोगों को भगाएंगे नहीं, ये खुद भागेंगे। 10-15 लोगों उनके पास काम करने वाले होते हैं, सारे फ्री हो गए, ये खुद ओवर बिजी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेड़ा उठाया है, कंपनी का सारा काम तो मैं खुद ही करूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर जो मेरे सीनियर है, मेरे लीडर है, वो मुझे काम करता हुआ देखे। तो किसी भी कंपनी के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है एक अच्छी टीम को तैयार करने की, इसका मतलब ये होता है आपको उनको गाइड करना है, उनको खुद काम करने देना है। और जब कोई इंसान काम करेगा, गलती करेगा, गलती के सामने उसको पनिश नहीं करना है, उसको गाइड करना है। क्योंकि जब तक आप अपने अंडर में किसी टीम को तैयार नहीं करोगे, तब तक आप ग्रो नहीं होगे। कैसे? मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि आज के टाइम के अंदर बहुत सारी कंपनियों के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हो गई कंपनी। कंपनी के अंडर में आ जाता है MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर में आ जाता है मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट के अंदर में आ जाते हैं डिपार्टमेंट, जहां पर प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, अकाउंट का डिपार्टमेंट हो,
एचआर का डिपार्टमेंट हो, आरएनडी का डिपार्टमेंट हो, उसके बाद सेल्स का डिपार्टमेंट हो, सर्विस का डिपार्टमेंट हो, एडमिन का डिपार्टमेंट हो, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अगर आपकी कंपनी के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट है, तो होता ये है कि हर बंदा एक एचओडी अगर बनता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो उसके अंडर में असिस्टेंट मैनेजर होता है। असिस्टेंट मैनेजर के अंदर जूनियर मैनेजर होता है। जूनियर मैनेजर के अंदर में टीम होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर ये पोजीशन पर आना है, आपको ये पोजीशन पर जाना है, आपको ये पोजीशन पर जाना है, आपको यहां पर आना है फ्रंट लाइन के अंदर, आपको यहां से मैनेजमेंट में आना है, आपको यहां से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अगर जाना है, तो आपको अपनी पोजीशन के ऊपर जाने के लिए, आपकी पोजीशन के लिए किसी को तैयार करना है। क्योंकि जब तक आपकी पोजीशन लेने के लिए कोई इंसान आपकी कंपनी में तैयार नहीं होगा, आप ग्रो नहीं हो पाओगे। जितने भी लोग चेयर पर बैठे हैं, आपको अपनी चेयर छोड़कर अगर इससे बड़ी वाली चेयर पर जाना है, तो अपनी चेयर पर बैठने के लिए किसी को लाना पड़ेगा, किसी को तैयार करना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग टीम को तैयार न करते हैं, और उसका प्रॉब्लम उनको ये होता है, सारा काम खुद ही करते हैं और पूरा दिन ओवर बिजी रहते हैं। तो आपको बिजी रहना है डेवलपमेंट के लिए, और आपको लोगों को काम सिखाना है। फिर बात आती है आठवीं, दे डोंट अप्रिशिएट फॉर फ्यूचर, कि वो लोग कई बार अपना फ्यूचर का जो आविष्कार करना होता है, फ्यूचर का प्लानिंग करना होता है, उसका जजमेंट लेना होता है, वो नहीं लेते हैं। उनके माइंड में एक ही चीज चलती है, कैसे भी करके आज का दिन खत्म करो, कैसे भी करके आज के टास्क पूरा करो। तो एक डेवलपर मैनेजर जो होता है, उसके पास फ्यूचर के प्लान होते हैं, उसको पता होता है कि फ्यूचर के अंदर क्या करना है, और वो फ्यूचर को लेकर आशावादी होता है, निराशावादी नहीं। कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं, मैं भी मर रहा हूं, तू भी मर, चल साथ में मिलके मरते। तो ऐसे इंसान जब आप लोगों को मिलते हैं, या ऐसे लोगों के संगत में जब आप होते हो जिनके पास फ्यूचर्स के प्लानिंग नहीं होते हैं, तो वो मरी मरी सी बातें करते हैं। आज मैं कामयाब नहीं हुआ, या आज मेरी कंपनी ग्रो नहीं हो रही है, उसका रीजन है गवर्नमेंट, उसका रीजन है मार्केट, उसका रीजन है लोग, उसका रीजन है पेरेंट्स, उसका रीजन है घर। लेकिन वो कभी भी ये चीज सोचेंगे नहीं कि ऊपर वाले ने अगर आपको यहां पर भेजा है, तो आपका जो भविष्य का निर्माण है, वो आपको खुद को ही करना है। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आप लोगों को यहां पर शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं। आज के बाद ये सेशन को अटेंड करने वाला कोई भी बंदा अपने आप को बेचारा बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा, उसकी वजह बताता हूं कि आज ऊपर वाले ने जो बॉडी आपको बनाकर दी हुई है, उस बॉडी की वैल्यू अगर आप करने के लिए जाओगे, तो वो करोड़ों रुपए हो जाएगी। कैसे? अगर आज मैं आपको बोलूं कि आपके दो हाथ काटकर मुझे दे दो, मैं 50-50 लाख आपको देता हूं, कितने लोग देने के लिए तैयार होंगे? आज अगर मैं आपको पूछूं कि आपके दो पैर काटकर मुझे दे दो, मैं आपको 1-1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, कितने लोग देंगे? आज मैं बोलूं आपकी दो आंखें निकाल कर दे दो, मैं आपको 50-50 लाख देने के लिए तैयार हूं, कौन देने के लिए रेडी होगा? तो आपकी पूरी बॉडी का अगर कैलकुलेशन किया जाए, तो उसका हिसाब ही करोड़ों का होता है। और करोड़ों का हिसाब अगर उसका आ रहा है, तो एटलीस्ट उसका जो ब्याज है, वो तो लाख में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अगर वो लाख में अगर आना चाहिए, तो आपकी इनकम भी तो उतनी होनी चाहिए। अगर वो इनकम आज अगर आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपने जो बॉडी आपके ऊपर वाले ने आपको दिए, उसका 100% अभी तक आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले ने आपको विशेष बनाया है, आपको अपनी ताकत को जगाना है। अब आगे हम बात करते हैं, दे डोंट डेलीगेट एन एफर्टली, कि प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं।
इनको कोई भी काम के अंदर जब बताया जाता है तो वर्क डेलीगेट करना इनको पेन करता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं फ्री होकर करूंगा क्या। तो भाई साहब, अगर आप फ्री हो गए तो आपको फ्यूचर के प्लान करने हैं, आपको अपने लीडर को फ्री करना है, आपको कंपनी के डेवलपमेंट के काम देखने हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो पोजीशन मुझे दी गई है और जितना मुझे बताया गया मैं उतना ही करूंगा। तो याद रखना, जितना आपको बताया गया है उतना ही अगर आप करोगे और आप में क्षमता है उससे ज्यादा करने की, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। अगर आपको पता है कि लोगों को काम देने से काम बढ़ेगा और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो और अच्छा काम होगा, तो आपको वो करना चाहिए और एक अच्छी तरीके से डेलीगेशन करना चाहिए। लेकिन डेलीगेट लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों को उसका सिद्धांत ही नहीं पता है। तो अब आपको डायरी और पेन उठानी है और फिर से एक नई चीज मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, उसको आपको लिखना है और उसको आपको फॉलो करना है कि डेलीगेट होता कैसे है। तो डेलीगेट करने के 3 स्टेप हैं। ये 3 स्टेप आपको समझने पड़ेंगे कि कौन से स्टेप के अंदर आपको काम करना है। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आई डू यू सी। इसका मतलब क्या होगा, आई डू यू सी का मतलब कि आप करोगे सामने वाला देखेगा, फिर क्या होगा यू डू आई सी। जब आपने सामने वाले को सिखा दिया तो अब वो करेगा और आप उसको देखोगे, फिर क्या होगा यू कंटिन्यू डू, नो नीड टू सी। रिपोर्टिंग ओनली। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है उसने वो काम किया कि नहीं किया, उसको वो काम करने दो, उसको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दे दो और उस फॉर्मेट में उससे काम लो। कोई भी इंसान जब आपकी कंपनी में पहली बार जुड़ता है और नया बंदा जब आपके कंपनी में आता है, पहला वीक आपको ये करना है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक आपको ये करना है और थर्ड वीक आपको ये करना है। तो 1 महीने के अंदर आपके टीम में आया हुआ बंदा रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा जिस तरीके से आप उसको रेडी करना चाहते हो। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि आई डू यू सी कैसे किया जाए, यू डू आई सी कैसे किया जाए और यू कंटिन्यू डू नो नीड टू सी उसको कैसे किया जाए। तो ये सारी चीजों को करने के लिए हम कंसल्टिंग पार्ट के अंदर आपकी कंपनी में जुड़ते हैं और आप सभी लोगों का JDKRA बनाते हैं, PMS बनाते हैं और उसके जरिए ये सारी चीजों को ऑन पेपर लेकर आते हैं और ऑन पेपर इन चीजों की प्रैक्टिस आपकी कंपनी में करवाते हैं जो आपको यहां से करना रहेगा। अब आगे हम बात करेंगे 10वीं चीज जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, दे नेवर मोटिवेट देयर टीम। अपनी टीम में काम किए हुए बंदे को अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे और आप खुद अगर मोटिवेट नहीं होगे तो आपके साथ काम करने वाले लोग नहीं है, जिंदा लाश है जो खाली मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को चार्जिंग पॉइंट बनाना है, चार्जिंग डाउन पॉइंट वाला नहीं बनाना है। आपके साथ कोई भी बंदा जब कनेक्ट हो ना तो उसका बैटरी फुल हो जाना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्ट में आते हैं ना तो साले फ्यूज हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको ऑलवेज अपनी टीम को मोटिवेट करना है। क्यों मोटिवेट करना है ये भी आपको बताना चाहूंगा। कई बार लोगों को ऐसा लगता है क्या जरूरत है मोटिवेट होने की, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा मोटिवेशन की। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है वो आपसे वो करवाती है जो आप करने में आलस करते हो। तो मोटिवेशन हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। किसी के लिए मोटिवेशन पैसा है, किसी के लिए मोटिवेशन अपना नाम है, किसी के लिए मोटिवेशन एक पोजीशन है, किसी के लिए मोटिवेशन कुछ और है।
अगर मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरी कंपनी ने जो लिया हुआ है विजन, गुरुकुल कंपनी चाहती है 5000 कंपनियों को 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना। तो यही चीज हमें रोज सुबह उठा देती है और यही चीज के ऊपर काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है और यही चीज को करने के लिए ऊपर वाले ने हमें भेजा है।